नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। रिश्तों में दरार आई, आपने सुना होगा, नक्श लायलपुरी का लिखा हुआ है। इसमें तीन चीजें हैं, रिश्तों में दरार आई, बेटे ना रहे बेटे, भाई ना रहे भाई, और दीदी ना रही दीदी। खैर, चुनाव से पहले देश में इंडिया गठबंधन बना, उद्देश्य बीजेपी का विजय रथ रोकना। गठबंधन में बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने वाले ही वक्त की नजाकत को देखते हुए अपने अपने रास्ते पर निकल पड़े। कुछ ऐसा ही बंगाल में हुआ। अब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दीदी, उनका रुख गठबंधन को लेकर नरम पड़ गया। उन्होंने ऐलान किया कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो वो बाहर से समर्थन देंगी। तो लोकसभा चुनाव का कारवां जितना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, उतना ही रोचक राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। एक दिलचस्प घटनाक्रम बंगाल से सामने आया। इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर असहमति जाहिर करने वाली बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का रुख अलग थलग है। बनर्जी ने कहा है कि अगर लोकसभा चुनाव के बाद विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो वो उसे बाहर से समर्थन देंगी। चुनाव का शोर दीदी के बदले सुर, इंडिया जो आपके नेतृत्व दिए बाइरे थेके सब रकम सहाय्य करे आमरा सरकार गठन करे देबो। गठबंधन में दरार कैसे होगा बेड़ा पार? कहां से अंदर बाहर कैसे क्या करेंगे उनकी पता कर लो, उनसे पूछ लो। मैं उनसे भरोसा नहीं करते, गठबंधन छोड़ के भागी उन्होंने, उनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं। प्रधानमंत्री तो पहले तय करे कौन होगा प्रधानमंत्री, पप्पू होंगे कि गप्पू होंगे कि सप्पू होंगे। पीएम मोदी का वार, इंडिया में हाहाकार। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा खटाखट खटाखट, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले। ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे खटाखट खटाखट। चुनाव से पहले महागठबंधन बना, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आया, वोटिंग हुई, वैसे वैसे गठबंधन की सांसें फूलने लगी। एक साथ मिलकर चलने वाले अब समर्थन पर आ गए हैं। ममता बनर्जी ने गठबंधन को बाहर से समर्थन देने की बात कहकर यह बता दिया कि गठबंधन के खिलाड़ी अलग अलग नाव में सवार हैं और अपने अपने फायदे का मौका देखकर पत्ते खोलेंगे। आज इसी मुद्दे पर होगी महाडिबेट में चर्चा। तो कुल मिलाकर एक साथ चलने वाले ही समय के साथ अलग अलग हो गए और बात समर्थन की करने लगे हैं। अब जरा महाडिबेट के सवालों पर नजर डाल लेते हैं। क्या है वो सवाल, हालांकि बहुत सारे सवाल और भी रहेंगे। बीच चुनाव में दीदी के क्यों सुर बदल गए और बाहर से समर्थन, इसके क्या मायने हैं? बंगाल में अलग और दिल्ली में साथ, ये कौन सी बात? ये स्थितियां हैं, ऐसा नहीं है कि सवाल यही है, और भी बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खास मेहमानों के पास हम लेकर चलेंगे और मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। अजय सिंह यादव साहब, बीजेपी प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है यादव साहब का। स्वदेश शर्मा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शर्मा साहब का भी बहुत स्वागत। नितिन गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक, रविंद्र दुबे वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए। सर आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। और चलिए अजय सिंह यादव साहब, स्वदेश शर्मा साहब, एक विंडो पर देखना कितना सुखद होता है, नहीं? खैर, स्वदेश शर्मा साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। अधीर रंजन चौधरी का बयान आया है, मैं दीदी पर भरोसा नहीं करता, उन्होंने मैं कहा है, हम भी नहीं कहा है। नाराजगी किस बात की ज्यादा है? बरहमपुर सीट पर यूसुफ पठान को उतार देने की नाराजगी है, या ये भी कोई पॉलिसी है? शर्मा साहब देखिए, ललित जी, सच बात तो ये है कि जो इंडिया अलायंस तैयार हुआ है, ये निश्चित रूप से
ताना साहब को सत्ता से बेदखल करने के लिए है। इसमें इन बयानों को इस तरीके से ना देखा जाए। अभी रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट आने के बाद सारे अलायंस के बड़े नेता बैठकर डिस्कस करेंगे। डिस्कस में फिर क्या निष्कर्ष निकलता है, कौन इसका नेता होगा जो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेगा, ये सारी चीज़ें अभी भविष्य के गर्त में हैं। अभी से कुछ कह पाना मैं समझता हूँ भाजपा के लिए खुशफहमी जरूर हो सकती है, वो पाल सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि अभी जो चार फेज का चुनाव हुआ है, इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन बहुत पीछे है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आज इतने बड़े चैनल पर हम इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं और उसके समर्थन पर चर्चा कर रहे हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इस बात को देशवासी अच्छे से जान चुके हैं। रहा सवाल इन बयानों का, तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें बाद में ही बनेंगी। क्या स्ट्रेटजी बनती है, क्या तय होता है, ये सब इस पर बाद में डिस्कस किया जाए तो बेहतर होगा। ठीक ठीक ठीक। हालांकि थोड़ी चर्चा इसे लेकर लगातार करते रहेंगे, बयानों को लेकर भी। अजय सिंह यादव साहब, एक तो जो भी स्वदेश जी ने कहा है उसका जवाब, और उसमें एक एड ऑन मैं और कर दे रहा हूँ कि स्थितियाँ आपके लिए क्या वाकई इतनी सुखद हैं, क्योंकि कैंपेनिंग तो आपकी कुछ और बताती है। यादव साहब, देखिए ललित जी, जिस तरह से ये गठबंधन बना है, ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है, और इसके सभी सहयोगी दलों के हाल ऐसे हैं जैसे कहीं का ईंटा कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा। और इस बात को मैं तथ्यों के साथ कहता हूँ, राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन किसी भी अलायंस दल के पार्टी द्वारा राहुल गांधी को अपना नेता स्वीकार नहीं किया गया, चाहे आरजेडी हो, चाहे एसपी हो, चाहे तृणमूल हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, तो सभी चाहते हैं कि उनके नेता प्रधानमंत्री बने, और किसी तरह से बिल्ली के भाग से छीका टूटे तो कम से कम 10 प्रधानमंत्री इस देश को मिल जाएं 5 साल में। दूसरी बात, जनता के बीच में आप एक मैनिफेस्टो लेके जाते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे तो ये हम पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो रखा, मोदी जी की गारंटी रखी, अगले 5 साल का विजन रखा। दूसरी तरफ कांग्रेस और उनके सभी अलायंस दलों का मैनिफेस्टो अलग अलग है, किसी ने भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो को समर्थन नहीं किया। कम्युनिस्ट पार्टी तृणमूल कांग्रेस कहती है सीएए को हम हटा देंगे, आर्टिकल 370 बहाल करेंगे, ये कहते हैं 30 लाख रोजगार देंगे, आरजेडी तो कहती है 1 करोड़ रोजगार दे देंगे। इसी तरह से अल्पसंख्यक आरक्षण पे अलग अलग राय, सभी मुद्दों पे अलग अलग राय, तो ये गठबंधन नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी जिसका जन्म कांग्रेस के खिलाफ हुआ वो कांग्रेस के साथ गठबंधन बन के खड़ी है, और आम आदमी पार्टी कह रही है दिल्ली को हम पूर्ण राज्य बना देंगे, कांग्रेस के कहीं भी मैनिफेस्टो में दिल्ली पूर्ण राज्य का कोई उल्लेख नहीं है। तो ये केवल और केवल ठगबंधन है, ये केवल और केवल सत्ता की चाशनी के लिए जनता को ठगने की कोशिश कर रहा है। यादव साहब, मैं गठबंधन का भी आपसे सवाल पूछूंगा, बात लेकिन अच्छी है आपने याद दिलाई, बिल्ली के भाग से छींका फूटना, जहां बिल्ली के भाग से छींका नहीं फूट रहा था बीजेपी ने खुद फोड़ लिया, जो नैया बना के लाया, जो पतवार चला रहा था उसे तो आप अपने पास ले आए, नीतीश जी की बात कर रहा हूं। खैर, दो बेहद खास मेहमान जो लगातार इस चर्चा को सुन रहे हैं, नितिन गुप्ता साहब, रविंद्र दुबे साहब। नितिन सर, बयान आया है अधीर रंजन चौधरी का, ऐसे बयान खैर बहतेरे हैं, इन बयानों के बीच क्या वाकई जिस बेहतर तरीके से विपक्ष की पार्टियां लड़ रही थी या कांग्रेस की बात आ रही थी, क्या ये बयान वो डैमेज करते हैं, या रास्ते वाकई अलग हैं, या जैसा इतिहास रहा है ममता दीदी का कि उनका उनके मिजाज का दरअसल कोई भरोसा नहीं? नितिन सर जी, देखिए बिल्कुल सरल शब्दों में अगर हम इस ममता बनर्जी के बयान पर जाएं तो ये कहना पड़ेगा कि दिल्ली में बैर नहीं और बंगाल में खेल नहीं, इस बात की पुष्टि ये पूरा बयान करता है। क्योंकि वो एक तरफ तो बयान देती है कि हम इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम बाहर से समर्थन करेंगे, जबकि दूसरी तरफ वो आज ही ये बयान देती है कि कांग्रेस और सीपीआई, ये दोनों कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस बीजेपी के पैसों से यहाँ बंगाल में चुनाव लड़ रही है और ये बंगाल की दुश्मन है। तो ये दो तरफा बयान है। हालांकि इसको अगर पूरे राजनीतिक सिनेरियो को अगर हम समझे, 4 चरणों के चुनाव, लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, हाँ। अब तक बंगाल की 42 में से 18 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, ठीक। अभी भी 24 सीटों पर चुनाव बाकी है। अभी तक की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में अभी जो 18 सीटों में चुनाव हुए हैं वहां पर बीजेपी और टीएमसी के बीच में सीधी टक्कर देखी हुई, लेकिन अब जो 24 सीटों पर चुनाव होना है उसमें बीजेपी
कट ना जाए, इस चीज को देखते हुए अभी आपने आपको ध्यान होगा कि अधीर रंजन चौधरी ने कुछ दिन पहले भी ये बयान दिया था कि जो है ममता दीदी का कोई भरोसा नहीं है। वो हो सकता है कि बाद में जब अगर सरकार बनती है भाजपा नेतृत्व वाली तो हो सकता है उसमें भी शामिल हो जाए। हाँ। तो इस तरह की जो बयान आ रहे हैं वहां पर कहीं ना कहीं बंगाल की जनता उसमें कश्मकश्म की स्थिति में है, वो की स्थिति में है, तो उन वोटरों को जो बीजेपी के विरोध में है उन वोटों को साधने के लिए शायद ये बयान आया। ठीक 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 रविंद्र जी 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 अभी रविंद्र दुबे साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर ये सोशल मीडिया के दौर में पश्चिम बंगाल में कुछ कहा जाए तो दिल्ली का वोटर उस पर रिएक्ट करता है, ये अलग अलग बयान कि वेस्ट बंगाल, मैं तमाम चीज़ें ले रहा हूँ, मिसाल मैं वेस्ट बंगाल की दे रहा हूँ लेकिन उसमें केरल भी आ जाता है, वायनाड सीट भी आ जाती है। सवाल ये कि ये वोटर को कंफ्यूज करती हैं ये चीज़ें। रविंद्र सर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हर राष्ट्रीय दल अपने मुद्दे रख रहे हैं लेकिन क्षेत्रीय दलों की जो बयानबाजी है वो गठबंधन को पशुपेश में डाल रहे हैं। हाँ। चाहे एनडीए गठबंधन हो चाहे यूपीए गठबंधन हो, दोनों जगह ये बात सामने आ रही है। इंडिया गठबंधन का सवाल इसलिए कि अलग अलग विचारधारा के लोग एक मंच पर आने की कोशिश कर रहे थे चुनाव से पहले लेकिन वो हो नहीं सका और उन सब ने जाकर चुनाव के पहले एक छोटा सा गठबंधन बनाया, कुछ दल उनके साथ आए जिन्होंने सीट शेयरिंग की और कुछ ने उन्हें सीट शेयरिंग से बिखरे भी दूरी बना ली। लेकिन अब जो चुनाव में ऐसी परिस्थितियां दिख रही है कि बहुत ही कश्मकश है और 1-2% में जहां फैसला होना है चाहे वो बंगाल की बात हो या दूसरे अन्य राज्यों की बात जहां आप कर रहे हैं, उन तमाम जगह पर अपने अपने बयान देकर अपने वोट आकर खींचने की कोशिश कर रहे हैं जिससे गठबंधन को परेशानी का सामना करना पड़ा। देखिए यूपीए के साथ सबसे बड़ी बात यह कि एक बड़ा दल है जिसके पास 300 सीटों का एक बड़ा पैकेज है वहां पर, लेकिन अभी यूपीए इंडिया गठबंधन जो बना है उसके पास कोई बड़ा दल ऐसा नहीं है। वो सबसे बड़ा दल जो बनेगा उसके बाद राजनीति तय होगी, चुनाव के बाद उसका प्रधानमंत्री कौन होगा, क्या नीतियां होंगी, क्या कॉमन विनिमय प्रोग्राम बनेगा, इन सब तय होना। लेकिन यूपीए के साथ ये सबूलियत है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पास एक चेहरा भी है, प्रधानमंत्री का 10 साल का कार्यकाल है और तमाम चीजों को लेकर वो बात कर रहे हैं चाहे वो उनका मैनिफेस्टो हो या मुद्दे हो। लेकिन जिस तरीके से 4 चरणों के बाद से चुनाव थोड़ा सा भटका है, हम सब देख रहे हैं चुनाव 2 चरण के बाद से कम मतदान हुआ, तो जो हार्डकोर जो डेवलपमेंट की बात होना चाहिए थी, जो इश्यूज की बात होना थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोर विचार की तरफ ले जाकर जिसका मूल एजेंडा है या जो मूल विचार है उस पर केंद्रित कर दिया। हालांकि उस पर बहस हो रही है कि प्रधानमंत्री की तरफ क्यों जा रहे हैं, कि उनका कैंडिडेट हो सकता है या उनका हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से बंगाल और बिहार की तरफ लड़ाई बढ़ रही है तो ये हार्ड कोर का जो विचारधारा कट्टर विचारधारा का फोटो यूपीए के गठबंधन में देखने मिलता है। इसका प्रभाव तो पूरे देश में पड़ेगा ही, बिल्कुल तय बात है, चाहे छोटे दल करें या बड़े दल करें उनका प्रभाव पड़ेगा। और राजनीति में जो बयान ही सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे आप कह रहे हैं सोशल मीडिया का है, आजकल सोशल मीडिया हो, प्रचार माध्यम, इसके माध्यम से तमाम बातें जब जनता के बीच में पहुंचती है तो जनता उस बात को विश्लेषण करती है, तमाम चीजों पर विश्लेषण हो रहा है और लोग आजकल बड़े समझदार हैं। देखिए गांव गली में यदि आदिवासी भी निकलकर वोट कर रहा कहीं 70% 80% 79% वोट हो रहा, इसका मतलब है कि वोटर समझदार और राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट करता है। जहां विधानसभा चुनाव होते वो 2 तरीके से वोट करता है, राष्ट्रीय मुद्दों पर राष्ट्र के लिए और प्रदेश के लिए प्रदेश की तरह। लेकिन जो विधानसभा हो रहा है वो आपको देखने को मिलेगा। मैं आऊंगा आपके पास। अजय सिंह यादव साहब, 2 बड़ी विरोधाभासी बातें, पीडीपी के साथ आप भी रहे हैं महबूबा मुफ्ती, एक आपने ठगबंधन की बात की थी इसलिए, दूसरा पार्टी विद इन द पार्टी देख लीजिए कि जिन जयभान सिंह पवैया या प्रभात झा सिर्फ सिंधिया पर अटैकिंग मोड में रहा करते थे आज एक ही पार्टी में है, गठबंधन तो इस तरह के भी है ना अजय सिंह यादव साहब। भैया या प्रभात झा जी की आप बात करते हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी स्वयं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से परेशान होकर और ये समझते हुए कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की नीति ही देश के हित में है, तो यहाँ किसी तरह के विरोधाभास का सवाल नहीं है। हाँ। प्रभात झा जी, जयभान सिंह पवैया जी और सिंधिया जी तीनों अब एक ही विचारधारा पर काम कर रहे हैं तो हाँ। कहाँ विरोधाभास है? विरोधाभास तो उनमें है जिनकी पार्टी का निर्माण कांग्रेस के खिलाफ हुआ, कांग्रेस के खिलाफ जिनकी पार्टी का निर्माण हुआ और वो आज कांग्रेस के साथ गठबंधन करके बैठ गए। दूसरी बात ललित जी, मैं गंभीर बात पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से, क्या देश की जनता को ये जानने का अधिकार नहीं है कि आपके पास जब कॉमन मैनिफेस्टो नहीं है
कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है, तो किस आधार पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, किस आधार पर वोट मांगते हैं? मोदी जी ने अपने 10 साल की उपलब्धियां और अगले 5 साल का विजन सामने रखा है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे जनधन खाते हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे दुनिया में देश की बढ़ती ताकत हो, कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक लाल किताब रख के राहुल गांधी भ्रमित करने लगते हैं, संविधान की बात करते हैं, देश में 90 सरकारें बर्खास्त करने वाली, आपातकाल लगाने वाली कांग्रेस पार्टी, और दुनिया भर में देश का नाम खराब करने वाली कांग्रेस पार्टी, यहाँ तक कि बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न तक नहीं मिलने दिया इस कांग्रेस पार्टी ने, और ये संविधान की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी देश की जनता के लिए एक ऐसी गुलामी का प्रतीक है जो 4 जून को इस देश में गुलामी का आखिरी प्रतीक कांग्रेस पार्टी समाप्त हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी समाप्त हो जाएगी स्वदेश जी, 4 तारीख नंबर आएंगे ललित जी के, समाप्त जैसी ही समझिएगा। अच्छा, समाप्त जैसी मतलब आप विपक्ष को साथ रखेंगे, अब तो सब आपने अपने पास रख लिए हैं। ठीक है स्वदेश जी, प्लीज ललित जी, भारतीय जनता ललित जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने गुलामी शब्द अच्छा दे दिया हमें विषय, इस पर मैं चाहूँगा थोड़ा सा प्रकाश डालना। देशवासी एक बड़े चैनल पर बैठे हैं तो देख लें, जब देश अंग्रेजों का गुलाम था तब कांग्रेस के लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू हो चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, देश के लिए शहीद हुए, देश के लिए जेल गए, ऐसे सैकड़ों लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई उंगली कटा के भी शहादत में नाम नहीं लिखा पाया, अंग्रेजों से माफ़ी मांगता रहा। ये संविधान की क्या बात करेंगे जो अंग्रेजों की मुखबरी किया करते थे। रहा सवाल कांग्रेस पर आता हूँ मैं, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है इसका प्रचार प्रसार, क्योंकि हमारे पास सरकारी संसाधन नहीं है, हमारे पास उतना मीडिया प्रचार प्रसार का तंत्र नहीं है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हमारे खाते फ्रीज करा दिए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हमारे अलायंस के दो दो मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम किया, हमारे प्रधानमंत्री ने जनता के वोट को अपने कब्जे में लेने के लिए सूरत जैसा कांड कर दिया जो इतिहास में पहली बार हुआ है, इंदौर जैसा कांड कर दिया, खजुराहो जैसा कांड कर दिया। मतलब ये मतदाता से डरते हैं, भारत की जनता से डरते हैं, तो संविधान बदल नहीं है तो क्या है? इनके तीन तीन चार चार नेता बयान दे चुके, बाकायदा ऑफिशियल बयान कि हमें संविधान बदलना है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी इस पर प्रकाश डाल चुके हैं संविधान बदलने पर, और ये गूगल में सर्च किया जा सकता, देखा जा सकता, पढ़ा जा सकता है। रहा सवाल मैनिफेस्टो का, जितना प्रचार प्रसार हम नहीं कर पाए उतना इनने कर लिया, क्योंकि इनको पता है कि देश की महिलाओं को वो जरूरत है। मध्य प्रदेश की बात करें तो इनकी सरकार आते आते कहा था कि लाडली बहना देंगे, नहीं दे पाए, लेकिन हम 8,000 रुपए प्रतिमाएं देंगे, हम 30 लाख नौकरियों को जो खाली रिक्त पद पड़े हैं उनको हम भरने का काम सबसे पहले देंगे, हम एमएसपी की गारंटी नहीं देंगे, उस पर कानून भी बनाएंगे ताकि किसानों को आय से मतलब उनकी लागत से दुगना उनको व्यवस्था उनकी हो सके, और उनको दिल्ली जाकर के जंतर मंतर पर धरने बैठने के लिए मजबूर ना होना पड़े, क्योंकि हम ये जानते हैं हमारा देश जय जवान जय किसान का नारा कांग्रेस ने दिया, हरित क्रांति कांग्रेस लाई, श्वेत क्रांति कांग्रेस लाई, तो कांग्रेस ने ये देखा जाना है समझा है कि हमारा देश कृषि और कृषि पर आधारित है। अजय सिंह यादव साहब प्लीज सदेश जी सुन लेते हैं प्लीज, और ये कहते हैं मैनिफेस्टो में तैयार नहीं है इनके गठबंधन पर, मैं 30 सेकंड लूंगा बस, इनके गठबंधन में बात कर लेता हूँ, इनकी जो राजनीति है धर्म की राजनीति है, कभी प्रभु राम पर राजनीति करते हैं, आपके मैनिफेस्टो को ना आरजेडी स्वीकार कर रही है, ना समाजवादी पार्टी, अरे वो कम्युनिस्ट पार्टी, भारत देश का हर नागरिक कॉमन है, क्योंकि जो इन मैनिफेस्टो बना है वो 8,000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के साथ परे हुई परेशानियों के साथ बना हुआ है, जिसकी चर्चा आप बार बार कर रहे हैं, क्योंकि मैनिफेस्टो हमारा ऐसे मैनिफेस्टो नहीं है, आप प्रभु राम पर राजनीति करते हैं, आप गौ माता पर राजनीति करते हैं, आप धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन जितने लोग आपके साथ आपके 38 राजनीतिक दलों का एक संगठन एक अलायंस बना आपका, जिसमें नवीन पटनायक है, ठीक है आप थोड़ा हंसते हैं दोनों स्वदेश जी, अजय जी क्या विचार करते हैं आपके? नहीं स्वदेश जी एक बात पढ़ रहे, नहीं स्वदेश जी देखिए, हाँ अजय जी प्लीज अब मेहमान हमारे साथ और भी जुड़े हुए उनको भी हम जोड़ेंगे, एक बात तो आप मानेंगे स्वदेश जी कि ये भी जब दोस्ती की जाए, देखिए नीतीश कुमार जी ऐसे लेकर चल रहे थे, वो आपने देखा होगा ना, देखिए अपना लोगो उन्होंने उठवा लिया, ऐसे तो रिश्ते बनने चाहिए, ऐसे तो गठबंधन होने चाहिए। मैं आ रहा हूँ आपके पास नितिन गुप्ता सर, प्रमोद भार्गव हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बीजेपी अति आत्मविश्वास में आई और चुनाव में उसका नुकसान उसे झेलना पड़ा है, क्या ऐसा सिनेरियो बना नितिन सर? जी देखिए, इस तरह का जो सिनेरियो है हम 2009 के चुनाव में भी देख चुके हैं, हाँ। तो आज की वर्तमान परिस्थिति में हमें ऐसा लगता है
कि शायद बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं इन सब चीजों को लेकर चल रहे हैं और वो समझ रहे हैं इन सब चीजों की गंभीरता कि अगर इस तरह से अति आत्मविश्वास के साथ काम लिया गया तो राजनीति में ये कदम बहुत घातक हो चुका हो सकता है। अभी भी 3 चरणों का चुनाव बाकी है, अभी भी जैसे अभी हम बंगाल की बात कर रहे हैं, बंगाल में 24 सीटों पर अभी मतदान होना बाकी है और ये 24 सीटें बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि इन सभी सीटों पर इनमें से अगर आप इसका एनालिसिस करेंगे तो इनमें से अधिकांश सीटें वो है जिन पे हार जीत का मार्जिन बेहद कम रहा है। इसमें जीतने वाले और हारने वाले प्रत्याशियों के बीच में जो मत प्रतिशत है वो उसका जो अंतर है काफी कम रहा है, कई जगह पे तो 1% से भी कम रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में, ऐसे हालात में बीजेपी का जो विरोधी वोट है उस वोट को समेटने के लिए टीएमसी की तरफ से आज ममता बनर्जी का यह बयान आया है, जबकि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी उसी वोट को समेटने के लिए, हालांकि यहां पर कांग्रेस हमें बहुत फुट पे दिखती है क्योंकि कांग्रेस ने यहां एक तरह से बंगाल को खुला मैदान ममता बनर्जी को दिया है। कोई भी बड़े नेता चाहे वो सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, राजीव गांधी हो, यह किसी की भी रैली बंगाल में अभी तक नहीं हो पाई। ठीक, वक्त कम बचा। रविंद्र सर, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। हाँ नितिन सर, एक मिनट प्लीज। रविंद्र सर, आपके पास आ रहा हूँ बहुत शॉर्ट में, कुछ सेकंड्स में ये कमेंट चाहिए होगा। जो चुनाव शुरू हुआ था एक अजीब से बेमन उसके साथ कि नहीं ठीक है यार 400 पार का एक नैरेटिव सेट कर दिया गया, वो बड़े रोमांचक मोड़ पर आ गया, ऐसी उम्मीद नहीं थी। रविंद्र सर, देखिए अब 400 पार का जो नारा था, अभी 300 से ज्यादा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, लेकिन अब वो मुद्दे से थोड़ा सा भटकता हुआ दिख रहा है। देखिए आप जिन मुद्दों की बात कर रहे थे वो मुद्दे अब जाकर कहाँ, आप हमारे खुद प्रधानमंत्री को कई बातें ऐसी बोलना चाहिए जो राष्ट्रीय प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के लिए वो बातें बड़े तो कट्टर विचारधारा की बातें होती थी, छोटे छोटभैया नेता बोले तो ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री के लेवल पर वो बातें नहीं बोली जाना चाहिए। और जो आज सुनाई दे रहा है, देखिए सरकार बन जाएगी या 400 सीटें मिल जाए, 300 सीटें मिल जाए, 350 सीटें मिल जाए, लेकिन ये मुद्दे जो है देश में इतिहास में दर्ज हो जाते, तो राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए किस तरीके से बयानबाजी करना चाहिए, किस तरीके का बयान देना चाहिए। पद बहुत बड़ा होता है, उस पद का सम्मान है तमाम लोगों के लिए, ये सनी की मैं सिर्फ एक व्यक्ति के लिए कह रहा हूं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे, तो सभी के लिए बातों का ध्यान रखना चाहिए कि इतिहास में हम कहां लेकर जा रहे हैं और देश का चुनाव भारतीय लोकतंत्र वाकई भी दुनिया में देखा जाने वाला, इसकी वैल्यू है। तो हम सब सोचना चाहिए कि हम कहां और कैसे लेके जा रहे हैं और देश में देखिए 5 साल फिर 19 सबको साथ में रहना है, मतदाता को चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा को, सरकार फिर वो सरकार हो जाती है वो देश की, तो हमको देखना चाहिए वो ना कांग्रेस की सरकार होगी ना भाजपा की सरकार होगी ना तृणमूल की होगी, जिन ब्याजों में आजों में जनता का ध्यान रखना पड़ेगा, तो जनता के बीच में ऐसी बेमनस्ता ना आए कि 5 साल झेल देना। ठीक ठीक, मैं हालांकि राजनीतिक जो हमारे दोनों प्रवक्ता हैं उनके पास भी जाना चाह रहा था पर वक्त की कमी है, पर एक मेरी बात सुन लीजिए, बहुत अच्छी बात रविंद्र सर ने याद दिलाई है कि बयान जमकर दो पर ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम खुद को देखें तो शर्मिंदा ना हो। बशीर बद्र साहब का मैंने थोड़ा सा बदल लिया, उनसे माफ़ी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 2024 की लड़ाई, बात वहां से शुरू हुई कि एक कुनबे की बात कही गई और वो कुनबा धीरे धीरे बिखरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बात यह भी सच है कि जो चुनाव एक अजीब से अनमनेपन के साथ शुरू हुआ था बेहद रोमांचक मोड़ पे खड़ा हो गया है और पब्लिक है सब जानती है, 4 तारीख का सबको इंतजार है। धन्यवाद आपका। इंडिया जोट के नेतृत्व दिए बाहर के सब रकम सहाय सरकार गठन कर देव।